हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक में। मैं आपका अपना आयुष पटेल, आज मैं फिर एक प्राइवेट जॉब लेके आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो से कोई भी प्राइवेट जॉब अभी तक नहीं ली है, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है, जिससे आप इस वीडियो के जरिए आप एक प्राइवेट जॉब ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जॉब लोकेशन 4-5 जगह होने वाली है, आपको आसानी से यह नौकरी मिल जाएगी। ये नौकरी आपको बहुत ही आसानी के साथ मिलेगी और इसमें जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी है, मतलब एक जो अमाउंट होता है वो बहुत अच्छा है, तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। जॉब की डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और डे बाई डे वीडियो अपलोड होती है जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं, या आपका दोस्त जॉब करना चाहता है, या आपके घर में कोई भी जॉब करना चाहता है, तो उसे ये लिंक शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उसका बेनिफिट मेरे को मिले, यानी मतलब उसकी हेल्प हो सके और मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले, जिससे मेरा 1-2 सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए प्राइवेट जॉब के साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये जॉब होने वाली है, इस जॉब ये जो कंपनी का नाम है, यह है रिलायंस डिजिटल BPCL पैनल सेल्स प्रोमोटर चंडीगढ़। ये जो लोकेशन होने वाली वो चंडीगढ़ होने वाली है। चंडीगढ़ से मैं आपको 4 लोकेशन बताऊंगा जॉब लोकेशन, जो ये जॉब होने वाली, पर कंपनी का नाम है रिलायंस डिजिटल BPCL पैनल सेल्स प्रमोटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या वर्क है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सैलरी होगी, कितने घंटे काम करना पड़ेगा और क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपकी डिटेल्स कुछ छूट जाएंगी, फिर आपको वहाँ पे, अगर आप वहाँ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, 1-2 मिनट की बात है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। अगर आपने 12th कर रखी है, यानी आपका रिजल्ट आ चुका है 12th का, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने ग्रेजुएट कुछ भी 12th बेसिक चीज़ है, मिनिमम है, अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इसमें आपका जो काम रहेगा वो सेल्स का रहेगा। इसमें जो डिजिटल BPCL पैनल है उनका सेल्स करना पड़ेगा, यानी आपको बेचना पड़ेगा। बेचने का मतलब आपको उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। उससे जब आप जैसे ही उसको प्रमोशन करेंगे, वहां से आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो उसको परचेज करेंगे, यानी बाय करेंगे, यानी खरीद लेंगे, सिंपल सा आप ये समझो। और सैलरी इसमें क्या रहने वाली, सैलरी इसमें रहने वाली 24,000 रुपये। यदि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यह जॉब बहुत ही अच्छी है आपके लिए। आपकी जो सैलरी है वो 24,000 रहने वाली हो, डिपेंड ऑन इंटरव्यू, जैसा आपका इंटरव्यू होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें PF, SI और इंसेंटिव भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर इसमें जो एक नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एक्सपीरियंस, जिसने यह काम पहले किया हुआ है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट की आवश्यकता है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं। यदि आपने सेल्स का काम पहले किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और ये काम आसानी के साथ कर सकते हो। सैलरी इसमें आपको 24,000 मिलेगी, डिपेंड ऑन इंटरव्यू, जैसा आपका इंटरव्यू होगा उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, उससे कम भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनते रहिए, फिर मैं उसके बाद बता देता हूँ कि आपकी लोकेशन कहाँ कहाँ होने वाली है। लोकेशन आपकी सबसे पहले चंडीगढ़, यदि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये चंडीगढ़ होने वाली है। फिर दूसरी चीज़ है हरियाणा, दूसरे आपकी लोकेशन, अगर आप हरियाणा के आसपास कहीं रहते हैं या फिर हरियाणा में रहते हैं तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। फिर तीसरी है अमृतसर, यदि आप अमृतसर के आसपास, पंजाब अमृतसर कहीं भी रहते हैं, वहाँ आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और फिर चौथी जो लोकेशन है वो राजस्थान के लिए, अगर आप राजस्थान जयपुर कहीं भी रहते हैं और सैलरी आपको 24,000 के अराउंड मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी जॉब होने वाली है अगर आप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगने वाले हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप वहाँ पे इंटरव्यू कर सकेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स में आता है रिज्यूम, जिसमें आपको पूरा बायोडाटा होता है कि क्या क्या आपने पढ़ाई कर रखी, क्या नाम है, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें उस बायोडाटा में दिया होता है, ठीक। पहले नंबर रिज्यूम या CV इसको कर लीजिए, दोनों सेम ही है, रिज्यूम, और दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड होगा, और चौथा आपकी बैंक पासबुक, ठीक है। और फिर जो आपने पढ़ाई कर रखी है मार्कशीट वो आपको ले जानी, और मिनिमम आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये अच्छे से हो जाए। और आप इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ले लिए जाएंगे, मतलब फोटोकॉपी ले लिए जाएंगे, ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं है। फोटोकॉपी लेने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है, 0 इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यह जॉब होने वाली, इसमें आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत ना है। उसके बाद आपकी यह जॉब 100% लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरी smartyhospital12, और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी अगर आपका डाउट रह गया हो, वो आप मुझे आसानी से पूछ सकते हैं, आपके मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरा भी मन नहीं लगेगा वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद, बस इतना ही कहना है। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।